ये बात पूरे देश की किसानी की है, पंजाब से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, यूपी से लेकर पूरे देश केरला तक किसान एक झंडे के लिए इकट्ठे हैं, एक मकसद के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। सो ये किसी एक आदमी की और एक यूनियन की बात नहीं है, ये पूरी किसानी देश की किसानी की है। देश का किसान आपको मालूम है कितना सुसाइड कर रहा है, लाखों किसानों ने पिछले कई सालों से अपनी जान दे दी है क्योंकि ये किसान को पैसा नहीं मिल रहा, प्राइसेस उसकी पूरी नहीं मिल रही, उनके साथ धक्का हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर ये देश की किसान की आवाज़ को किसी एक यूनियन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, पिछले दो महीने से किसान जथेबंदी इनको मिल रही हैं, इनसे बात कर रही हैं, और क्या डिस्कस करना है, सब किसान इनको मिल रही है। सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए नहीं भेजा गया। और मुझे याद है जब पहली बार मैंने पार्लियामेंट में ये बात उठाई, मैंने उसी टाइम बोला था कि ये जो लॉ है, ये कानून है, आप इमीडिएटली इसको पार्लियामेंट में मत केस लेके आए, लॉ को पास मत कीजिए, आप पार्लियामेंट की कमेटी को भेज दिए, सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। उस टाइम क्यों नहीं भेजा, उस टाइम क्यों नहीं डिस्कशन की? उस टाइम तो आपको मालूम है राज्यसभा और लोकसभा में इन्होंने बुलडोज किया, अपनी ब्रूट मेजोरिटी के साथ बुलडोज करके ये किसान कानून लेके आए थे। इसीलिए आपको मालूम है पूरे देश के किसान अब संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश को किसान के साथ, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। संसद को हम बायकॉट कर रहे हैं, ये हम पूरा बायकॉट नहीं, राष्ट्रपति का जो लेक्चर है ये यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है। ये तो जो सरकार ने लिख के दिया वो पढ़ रहे हैं, एंड उसमें कोई किसानों की बात जो उनकी मुंह पर से बात करते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, पर ये इनके मन में खोट है, ये बात नहीं करना चाहते और ये इंसाफ नहीं देना चाहते किसानों।